आप लोगों को स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रही होगी और मुझे लगता है कि आप लोग इन्हें जानते होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल अब जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय इनके द्वारा मोदी साहब का इंटरव्यू लिया गया था और आपने देखा होगा उस इंटरव्यू को मोदी नरेंद्र मोदी साहब बीच में छोड़कर ही चले गए थे और उन्होंने एक शब्द कहा था कि ये दोस्ती बनी रहे और उन्होंने इंटरव्यू ये कहते हुए छोड़ दिया था। तो उसके बाद से आपको बता दूं कि करण थापर काफी हाईलाइट में आए, काफी चर्चा बटोरी इन्होंने और आज भी आप देखिए यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर अब आपको वो वीडियो दिखाई भी देगा और वो वीडियो मैं क्या करूंगा कि फेसबुक पेज पर भी डाल दूंगा, वहां भी आप लोग देख सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जब प्रशांत कुमार, आप सभी जानते हैं प्रशांत कुमार के बारे में कहा जाता है कि चुनावी रणनीति बनाते हैं और मोदी की सफलता में कहते हैं कि उनका भी हाथ है, तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने से पहले 2014 की बात करें, कहते हैं कि 30 बार वो वीडियो दिखाया गया था नरेंद्र मोदी को प्रशांत कुमार की तरफ से कि आपको कोई भी कितने भी सवाल दागे आप लोगों आपको अपना संतुलन नहीं खोना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि करण थापर के बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेंगे। ये हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार भी है और काफी पावरफुल पत्रकार है। इनके जितने भी आप लोग इंटरव्यू लेंगे वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इनकी पावरफुलनेस। और एक बात और बता दूं आपको, उस समय देखिए हमारे देश में पत्रकार हुआ करते थे, आज तो आप देखिए कि आप लोगों को एक स्क्रिप्ट लिख के दे दीजिए कि हमारा इंटरव्यू जब भी लो ये पूछना आप, तो आजकल के पत्रकार वही पूछते हैं। लेकिन इनके द्वारा ऐसा नहीं था, ये बड़े आपके ये धाकड़ एक तरह से क्वेश्चंस पसंदागा करते थे, सामने वाला इंटरव्यू देने वाला भी अपना संतुलन खो बैठता था, समझ रहे हैं? तो स्क्रीन पर आप लोग देख भी रहे होंगे करण थापर को, देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? ये हैं आपके करण थापर। और इनके अगर हम लोग जन्म की बात करें तो करण थापर का जन्म होता है 5 नवंबर 1955 को, 5 नवंबर 1955 को इनका जन्म स्थान है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इनका जन्म होता है। एक बार आप लोग जम्मू कश्मीर को देख लीजिए। और आप लोगों को वैसे भी बता दूं, देखिए जम्मू कश्मीर को पहले आप लोग देखते थे कि हमारे भारत का एक राज्य हुआ करता था, उसके बाद आपने देखा है 2019 में इसे 2 भागों में बांट दिया गया, 370 हटा दी गई, तो आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों याद रखिए आपकी केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख में आपकी विधानसभा नहीं होगी लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी। देखिए दिख रहा है जम्मू और श्रीनगर इसकी राजधानी, और हिमाचल प्रदेश से लगता है, लद्दाख से राज्य लगता है सीमा इसकी, पंजाब से भी और पाकिस्तान से, ये जरूर आप लोग याद रख सकते हैं। अगर हम लोग इनके पिता की बात करें, किनके? करण थापर के। और इनका परिवार भी आप कहिए काफी पावरफुल रहा है इस मामले में। पूर्व सेनाध्यक्ष प्राणनाथ थापर के बेटे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किसी से डरने वाले तो थे नहीं। और इनकी अगर हम लोग माता की बात करें तो बिमला थापर इनकी माता का नाम, और पत्नी की बात करें तो निशा थापर, जो कुछ समय के बाद इनकी शादी के कुछ समय के बाद जल्दी ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि मस्तिष्क शोध, या फिर आप लोग इसे मस्तिष्क ज्वार कहते हैं, दिमागी बुखार भी कहते हैं ये, या फिर आप लोग इसे इंसेफेलाइटिस भी कहते हैं, इसके कारण इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी। और उत्तर प्रदेश बिहार में आप लोग इस कुछ ज्यादा ही एक तरह से आप रोग को सुनते भी होंगे, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कुछ समय पहले काफी बच्चे इससे डेथ भी हुई थी बच्चों की। इनकी चचेरी बहन की बात करें तो आप लोग देखेंगे रोमिला थापुर प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, और आप लोगों ने अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों ने इतिहास की रोमिला थापुर की बुक्स भी पढ़ते रहते होंगे, इनके द्वारा जो बुक्स निकाली जाती है तो इन्हें भी याद रखिए। अगर हम लोग इनकी शुरुआती शिक्षा की बात करें तो दून स्कूल से स्टॉप स्कूल बकिंगम शायर इंग्लैंड से इन्होंने शुरुआती शिक्षा ली, देखिए बड़ा अच्छा नाम है। कॉलेज की बात करें तो पैम ब्रॉक कॉलेज कैम्ब्रिज, सेंट एंटनी कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इन्होंने शिक्षा ली, यानी कि विदेश में पढ़े हुए हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी और राजनीति दर्शन में इन्होंने स्नातक किया हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन्होंने डॉक्टरेट की हुई है, तो आप कह सकते हैं कि काफी समझदार सुलझे हुए काफी पढ़े लिखे व्यक्ति है। व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एक पत्रकार है, टेलीविजन कमेंटेटर भी है, इंटरव्यूअर है भी, और इन्होंने कुछ किताबें भी निकाली हुई है, इन्हें भी आप लोग याद रख सकते हैं। फेस टू फेस इंडिया,
कन्वर्सन विद करण थापर, ठीक है। एक इनकी है संडे सेंटीमेंट्स, एक है आपकी विजडम ट्री और मोर सॉल्ट देन पेपर, डंपिंग एंकर विद करण थापर, एक कुछ इनकी पुस्तकों के नाम है। और आप देख रहे होंगे काफी बाहर पढ़े हुए हैं, विदेश पढ़े हुए हैं, तो उसी हिसाब से इन्होंने अंग्रेजी में एक तरह से लिखते बोलते हैं, तो उसी हिसाब से आप कह सकते हैं कि क्या है, इनके बुक्स के नाम भी उसी हिसाब से दिए गए हैं। अब बात आती है इनके करियर की, और इनके करियर के कारण ही हम लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। उन्होंने द टाइम्स नाइजीरिया के साथ अपने करियर की शुरुआत करते हैं, और बाद में उन्होंने 1981 तक उनके मुख्य लेखक के तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में काम किया, द टाइम्स नाइजीरिया के। पर आप देखेंगे 1982 में वे लंदन वीकेंड टेलीविजन में शामिल हो जाते हैं, और अगले 11 वर्षों तक वहां वो काम करते हैं, कौन, करण थापर। फिर वे भारत आ जाते हैं, और जिसके बाद उन्होंने द हिंदुस्तान टाइम्स टेलीविजन ग्रुप और होम टीवी यूनाइटेड टेलीविजन के साथ काम करते हैं, और बाद में अगस्त 2001 में इन्फोटेनमेंट नाम का अपना प्रोडक्शन हाउस भी बनाया था इन्होंने। फिर आप देखेंगे उन्हें उन्हें राजनेताओं के साथ तीखे साक्षात्कार लेने के लिए भी जाना जाता है, यानी कि तीखे इंटरव्यू लेने के लिए भी जाना जाता है। उसमें आपके प्रधानमंत्री साहब, अभी जो वर्तमान में हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय काफी एक तरह से वो वायरल हुआ। उनके कुछ टीवी शो को काफी पसंद भी किया जाता है, किनके, करण थापर के। अप्रैल 2014 में थापर ने CNN IBN को छोड़कर इंडिया टुडे में आ जाते हैं, और वे चैनल के नए शो टू द पॉइंट को होस्ट कर रहे हैं। और करण थापर की पत्रकारिता को अंतरराष्ट्रीय अदालत में भी भारत के विरुद्ध कुलभूषण जाधव मामले में प्रयोग किया जा चुका है, और इसके कारण इनकी काफी आलोचना भी हुई थी, और इसी के कारण काफी ये विवाद में भी उस समय जुड़े रहे हैं। फिर आप देखेंगे इंडिया टुडे से जुड़े रहे, और टू द पॉइंट और नथिंग बट द ट्रूथ की मेजबानी भी करते रहे हैं। और अब देखिए, अगर आप लोग अच्छा काम करते हैं और अच्छी तरह से अपना कर्तव्य निभाते हैं, जो आजकल आप देख रहे हैं कि अपना कर्तव्य नहीं निभाया जा रहा है अधिकतर लोगों के द्वारा, पत्रकारिता में तो आप देखिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं हम लोग, लेकिन आज पत्रकारिता की क्या हालत है आप लोग, मुझे लगता है कि दुनिया जानती है भारत की पत्रकारिता की क्या हालत है। तो इन्हें कुछ पुरस्कार सम्मान भी दिए गए हैं, इन्हें भी देख लीजिए। तो 1995 में थापर ने सबसे अच्छे करंट अफेयर्स कार्यक्रम के लिए ओनिडा पेनाकल अवार्ड जीता था 1995 में। फिर आप देखेंगे दिसंबर 2003 में थापर एशियन टेलीविजन पुरस्कार में समयिकी की श्रेणी में अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति बने। फिर आप देखेंगे 2008 में उन्होंने डिविलियर्स अधिवक्ता में राम जेठमलानी का इंटरव्यू लेने के लिए बेस्ट समयिकी प्रस्तुतकर्ता का अवार्ड मिला था। राम जेठमलानी को आप लोग जानते होंगे। 2009 में करण थापर को पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड के लिए भी चुना गया था। तो ये कुछ ने पुरस्कार जो महत्वपूर्ण है उन्हें बता चुका हूं। अब विवाद की बात आती है, और जिसके कारण मुझे लगता है कि वर्तमान में इनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो नरेंद्र मोदी साहब के कारण है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गुजरात दंगे हुए, उसके बाद करण थापर ने, यानी कि पत्रकार करण थापर को 2007 में दिया गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू खास लोकप्रिय हुआ। मोदी उस इंटरव्यू को बीच में ही छोड़कर चले गए थे, और सन 2002 में दंगों पर करण के सवाल सुनकर नरेंद्र मोदी ने थापर से कहा, मुझे आराम करना है, मुझे पानी पीना है। और इसके बाद उन्होंने माइक्रोफोन निकाल दिया, किसने, प्रधानमंत्री अभी जो वर्तमान मोदी साहब हैं। पहले करण को भी लगा कि वाकई में उन्हें प्यास लगी है, और उन्होंने टेबल की ओर इशारा भी किया, पानी तो आपके पास ही टेबल पर रखा है। लेकिन इतना आप देखेंगे कि वक्त कहाँ था, मोदी कुर्सी छोड़ चुके थे, और इस तरह पूरा सच जो इंटरव्यू था, साक्षात्कार कभी तो प्रोनाउंस में हो जाता है, चलिए खैर इंटरव्यू वहीं खत्म हो गया। और इसी 3 मिनट के टेप को CNN IBN अगले तीन बार बार दिखाता रहा, और अगले दिन बार बार दिखाता रहा, जिसमें मोदी कह रहे थे कि आपसे दोस्ती बनी रहे, बस मैं खुश हूँ। ये काफी लाइन एक तरह से आप बताऊं कि काफी वायरल भी हुई, आपसे दोस्ती बनी रहे, बस मैं खुश हूं, आप यहां आए, आपको धन्यवाद, मैं यह साक्षात्कार नहीं कर सकता, और आपके विचार हैं, आप बोलते रहिए, आप करते रहिए, देखिए मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूं। ये किसके द्वारा कहा जा रहा था, नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा, ठीक है।
और ये कहा जा सकता है कि 2014 के पहले जब आपने सभी देखा है कि प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में मोदी साहब हैं, इन्हें प्रधानमंत्री का एक तरह से चेहरा बनाया जा रहा था, तो उस समय कहते हैं कि ये तैयार नहीं हो रहे थे। और आपको बताऊं कि एक तरह से ट्रेनिंग की जा रही थी प्रशांत कुमार के द्वारा कि आपसे कोई कितना भी सवाल दागता रहे, आपको संतुलन नहीं खोना है। तो प्रशांत किशोर ने ये क्लिप नरेंद्र मोदी को 20 से 30 बार दिखाई ताकि उन्हें सिखाया जा सके कि अजीब मुश्किलें, सवाल और हालात का सामना कैसे किया जाए, और उन्होंने इसे सबक की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रशांत से कहा था कि वो इसे कभी नहीं भूल सकते हैं, वो बदला जरूर लेंगे। और आप देखिए कि कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, ये अपनी दुश्मनी को बड़े जल्दी नहीं भुला पाते हैं। और ऐसा ही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बारे में कहा जाता है, ये बदला जरूर जरूर लेते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और तो ये हाल है करण थापर की, ये कहानी है। मुझे लगा कि हम लोग जब पत्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं देश के, तो इनके बारे में भी बात करनी चाहिए हमें। फिलहाल आप लोग एंजॉय करिए, अगर कोई और पत्रकार हो तो उसके बारे में भी बात करते रहेंगे। वैसे हमारी जो सीरीज चल रही है ये हमेशा चलती रहेगी, एक एक करके सभी देश में जो भी पत्रकार हैं उनके बारे में हम लोग बेहतर बात करेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जीवनी के नाम से, बायोग्राफी के नाम से, उसमें आप लोग इन क्लासों को देख सकते हैं।